Never follow this one strategy while giving your CA inter exams. So, कुछ students होते हैं जो बोलते हैं कि सर हम group 1 देंगे and group 2 के दो subjects की preparation करेंगे and उन दो subjects में हम exemption लाएंगे. दोस्तों CA inter exams में एक single group निकालना भी बहुत बड़ी बात होती है. अगर आप CA inter May 22 के results देखेंगे, so individually group 1 and group 2 के जो results थे, सिर्फ और सिर्फ 13% students ही pass हो पाए थे individually both the groups. And अगर हम both group का देखें passing percentage, तो सिर्फ और सिर्फ 5.46% students जो है वो pass हो पाए थे CA इंटर May 22 एग्जाम्स में. सो CA इंटर में एक ग्रुप निकालना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज होती है. एंड इसमें अगर आप अपनी अलग से स्ट्रेटजी लगाएंगे कि मैं एक ग्रुप भी पढ़ूंगा और साथ ही साथ दूसरे ग्रुप का सिर्फ दो ही सब्जेक्ट करूंगा, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट करूंगा, ऐसी स्ट्रेटजीज प्लीज फॉलो ना करें. आप सबसे पहले ग्रुप वन में चारों सब्जेक्ट्स जो है उसके स्टडी में डल के सारे क्वेश्चंस, सारे इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करना है. आपको मई 2018 से, क्योंकि मई 2018 में न्यू सिलेबस आया था, मई 2018 से लेके अभी तक जितने भी आरटीपी एमटीपी आए हैं, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे सॉल्व करने हैं. जब आपका ये पूरा हो जाता है फर्स्ट ग्रुप का, उसका ही वापस से रिविजन करें. अगर आपने सोच कर रखा है कि मुझे एग्जाम में जो है एक ग्रुप पूरे अच्छे से देना है, तो एक ही ग्रुप दीजिए, प्लीज दूसरे ग्रुप के एक दो सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन मत कीजिए. बाद में जब ग्रुप टू की बारी आएंगे तब ग्रुप टू पढ़ लेना, राइट. एंड अगर आपने पहले से सोच कर रखा है कि मैं बोथ ग्रुप पूरे आठों सब्जेक्ट दूंगा, तो फिर अपने स्ट्रेटेजी में स्टिक रहे, ठीक है. लेकिन ऐसे आधे अधूरे ग्रुप्स को नहीं देना है. ऑल द बेस्ट.